नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में, आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों, हमको जो से देख रहे हैं, हम निफ्टी में एक गिरावट सी बनी हुई है जो बहुत ही परेशान कर रही है। क्योंकि दोस्तों, निफ्टी गिर रही है तो मतलब पूरे शेयर्स गिर रहे हैं। शेयर्स बहुत ऐसे कुछ गिर रहे हैं कि दोस्तों, उसमें जो 5% 4% की गिरावट है वो निफ्टी को लेके नीचे गिर रहा है। दोस्तों, निफ्टी गिरने के नीचे बहुत सारे कारण हैं, जो कि DHFL हो गया एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। जैसे कि अभी एक नया मैटर आया हुआ है जो कि इंडिया बुल फाइनेंसिंग का है, वो भी बहुत बड़ा मैटर है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है मार्केट में कि उसको सुनने सुनने के बाद आदमी जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, थोड़ा सा सहम सा जा रहा है या फिर दुखी हो रहा है, अरे क्या हो रहा है मार्केट में। तो दोस्तों, हमें जो संभल के ट्रेड करना है मार्केट में और बहुत अच्छा लेवल लेके मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। दोस्तों, हमें जानना है मार्केट कहाँ तक टूटेगा और कैसे टूटेगा और कितना प्रॉफिट हम उसमें बना सकते हैं। दोस्तों, तो हम लेके चलते हैं आपको टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों, वहाँ पे आपको समझेगा कि टेक्निकल चार्ट पे उसको कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, उसके पहले आपको हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल नोटिफिकेशन का बटन उसे ज़रूर दबाइए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे कि क्या हो रहा है। दोस्तों, हम आ गए टेक्निकल चार्ट पे, देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे बहुत सारा कंसेक्यूटिवली मार्केट डाउन होते जा रहा है। मार्केट इतना डाउन होके गया दोस्तों, आपको दिखा सकते हैं। दोस्तों, कंटिन्यूसली ये जो सर्कल है वो पूरा मार्केट गिरने का एक लाइन है, वहाँ से पता चलता है कि मार्केट कितना गिरा हुआ है। लगभग दोस्तों, मार्केट 11,656 के लगभग ट्रेड कर रहा था। देखिए दोस्तों, 11,656 के लगभग ट्रेड कर रहा था, वहाँ से जो मार्केट गिरा दोस्तों, यहाँ पे जाके थमाए, जो आज का लेवल बना है दोस्तों 11,085 का जो आज का मार्केट है वो बना है। दोस्तों, आज मार्केट इतना गिरना के जो कारण थे वो भी बहुत बड़े बड़े कारण थे। मार्केट में जो शेयर्स है उनमें गफले निकल के आ रहे हैं दोस्तों, उसके कारण मार्केट में ट्रेड ठीक से नहीं बन पा रहा। अगर दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो शेयर मार्केट में अभी भी 11,050 का जो सपोर्ट है मार्केट को अभी भी है, ये पहला सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए अगर कल का मार्केट ओपन होता है तो। दोस्तों, अगर हम आगे थोड़ा चले जाए तो मार्केट को यहाँ से सीधा 10,965 का एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ से मार्केट टिकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो दोस्तों मार्केट सीधा नीचे ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग होने से दोस्तों मार्केट फिर आपको और तकलीफ बढ़ जाएगी। मार्केट यहाँ से सीधा लेके जाएगा आपको 10,900 के लगभग लेके जाएगा। दोस्तों मार्केट यहाँ से आपको सीधी एक चेतावनी दे रहा है कि अभी मैं यहाँ से सीधा 10,900 के लिए ट्रेंड करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी भी 11,085 का मार्केट चल रहा है, यहाँ से लगभग मार्केट को 185 का एक जो रेंज है वो पकड़ के चलना है। दोस्तों, इतना भी बड़ा रेंज नहीं है कि मार्केट टूट जाए या फिर इतना भी बड़ा सपोर्ट नहीं है कि मार्केट वहाँ ठहर जाए। दोस्तों, चलते हैं हम आगे कुछ बातें जानेंगे, यहाँ से मार्केट अगर टूटता है तो और कितने नीचे गिर सकता है। दोस्तों, आपको एक लेवल दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, कम से कम जब से जो सरकार आई तब से मार्केट अप ट्रेंड में रहा है, ये तो मार्केट का एक अच्छा सेंटीमेंट होता है जो कि हमेशा मार्केट बढ़ना चाहिए और मार्केट बढ़ता ही रहता है। दोस्तों, मगर क्या हुआ है, अभी फ़िलहाल के दिनों में मार्केट अभी नीचे आ रहा है। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मार्केट किस तरह से नीचे आ रहा है और कितना मार्केट पैनिक कर रहा है इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो शेयर्स है उनकी वोलेटिलिटी हाई होने के बावजूद भी मार्केट में शेयर बड़ी भारी संख्या से टूट रहे हैं। दोस्तों, अभी DHFL हो गया या फिर आपका इंडिया बुल फाइनेंसिंग हो गया या फिर आपका HDFC भी हो गया। दोस्तों, बहुत सारे शेयर ऐसे मार्केट में टूट रहे, बहुत ज़बरदस्ती टूट रहे हैं। दोस्तों, अभी इसके बाद हम चलेंगे अभी मार्केट कहाँ तक जाने की गुंजाइश बनी हुई है। दोस्तों, टेक्निकली देखा जाए तो लगभग यहाँ से मार्केट का एक बड़ा लेवल निकल के आ रहा है। दोस्तों, सुनोगे तो थोड़ा हैरान हो जाओगे, 8,000 का लगभग मार्केट निकल के आया हुआ है। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी कहा था निफ्टी में कि निफ्टी में भयंकर गिरावट की आशंका, उसमें कहा था हमने कि मार्केट आपको 8,000 का लेवल दिखा सकते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के बारे में नहीं बोलते, निफ्टी के ऊपर वीडियो हम नहीं डालते, मगर ये डालना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ कहाँ तक गिर सकता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहा है तो इसका मीनिंग होता नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा।
मगर दोस्तों मार्केट के सेंटिमेंट ही कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि मार्केट स्टेबल नहीं कर पा रहा। नए नए घोटाले निकल के आ रहे हैं, नए नए कुछ बातें निकल के आती है मार्केट में, उसके कारण मार्केट पे प्रभाव पड़ते जा रहा है। तो दोस्तों मार्केट का नियम ही है उतार चढ़ाव करना, मगर दोस्तों अभी मार्केट में एक थोड़ा सा मंदी सा दौर आ गया है। मार्केट में कोई बाइंग के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, जो भी बंदे होते हैं खड़े तो एक प्रॉफिट लेवल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट लेने के बाद फिर से एक लॉस का स्टेप आ जाता है। ये क्या होता है दोस्तों आपको समझाते हैं पूरी तरह डिटेल्स में। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लेना पीक लेवल पे, उसको बेच देना, फिर उसे को शॉर्ट सेल कर देना, फिर उसको वहाँ से सेल करके नीचे के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना। मतलब जो लोग इन्वेस्टिंग में है उनको लॉस हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा मार्केट में एक पैनिक नहीं चल रहा है, जो मार्केट में बड़ी तरह से ये खेला जा रहा है। दोस्तों अभी चलते हैं हम यूनिक चार्ट पे। यूनिक चार्ट क्या होता है? दोस्तों यूनिक चार्ट का मतलब होता है कि मंथली चार्ट पे देखा जाता है कि वो दरअसल तो देखा नहीं जाता बार बार या स्टडी करने के लिए, मगर यूनिक चार्ट में आपको समझ में आएगा कि मार्केट बड़ी रेंज से ऊपर चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया। तो अभी दोस्तों आपको एक मालूम है, मार्केट चढ़ रहा है तो मार्केट गिरना भी है। तो दोस्तों मार्केट ऐसे भी हो सकता है एक ट्रायंगल बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों 8000 का एक जो लेवल है तो बन के आया है मार्केट में। तो दोस्तों आपको संभल के ट्रेड करना है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अभी निफ्टी के ऑप्शन में कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखने के लिए। हमने तो यहाँ पे आपको 8000 का टारगेट दिखाया है दोस्तों, लगभग इतना तो आना ही है आपको दिसंबर मंथ तक जाएगी, तो आपको इतना बड़ा तो टारगेट मिलना ही है दिसंबर तक, और यहाँ से जो मार्केट है लगभग लगभग गिरते ही रहेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अभी निफ्टी के ऑप्शन पे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है कल की चाल में। हम आ गए अभी निफ्टी ऑप्शन पे। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको दिखाते लेवल लगभग बहुत ही अच्छी लेवल बन गई थी, मगर वो कल के लेवल से जो बातें कर रहे थे मार्केट, अगर पॉजिटिव रहते तो मार्केट आगे बढ़ सकता था, मगर दोस्तों वैसे हुआ नहीं। मार्केट ने वो लेवल होल्ड नहीं किया, मार्केट रिवर्स हो गया और मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी मार्केट में जो आपको बात दिखाना चाहते हैं वो बात इतनी एक्चुअली ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा हुआ है 11000 पे, जो ओपन इंटरेस्ट है 17,05,950 का जो लेवल है दोस्तों, बहुत ही बड़ा एक लेवल है, जो कि अभी देखो ऑप्शन ऑप्शन चेन है उसमें इसका जो परसेंटेज लेवल है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो इसके कारण आपको एक बात पता तो चल गई, अभी मार्केट तो बढ़ने की कोशिश करेगा ही नहीं, मार्केट करेगा तो एक ही कोशिश, मार्केट टूटने का कोशिश करेगा ज़रूर। दोस्तों अगर आपको और देखना है तो आपको और दिखा दे, देखिए 11050 का एक लेवल है, जो कि 78,300 का एक 7,80,300 का एक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। फिर 11000 का एक लेवल है दोस्तों, जहाँ पे 17,05,950 का एक लेवल बना हुआ है, जो कि अब यहाँ से टूटना इम्पॉसिबल है क्योंकि मार्केट अभी ढहने चालू हो चुका है। दोस्तों अगर मार्केट ने 11050 को होल्ड करके पोजीशन बढ़ाने की कोशिश की तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मगर दोस्तों ऐसा होने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो उनका परसेंटेज ऑफ द वैल्यूम है वो भी बढ़ रहा है। वैसे बात करते हैं हम कॉल्स के बारे में, दोस्तों देखिए कॉल्स में भी नेगेटिव वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं। नेगेटिव वॉल्यूम्स का आपको पता चलेगा कि 11000 के लगभग ये पूरा मार्केट, एक्सक्यूज मी सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हुआ अभी दिखाने में। देखिए 11000 के लगभग का जो मार्केट है दोस्तों, ये देखिएगा 11000 के लगभग का मार्केट 15,22,975 का नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट में। फिलहाल 78 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है उस लेवल पे। आगे देखिए दोस्तों 95 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, मतलब 22,26,650 का जो वैल्यूम है वो टूट गया वैल्यूम है दोस्तों, मतलब नेगेटिव वैल्यूम बन गए हैं। यहाँ से जो मार्केट बढ़ रहा है पुट्स के लिए वो बहुत ही बढ़िया बन गया है, और यहाँ से कॉल के लिए मार्केट पूरा बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इससे हमें पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में पूरा मार्केट का तो बखेड़ा खड़ा होने वाला है, मगर दोस्तों आपको संभाल से ट्रेड करना है और ऑप्शन में अच्छे से पैसे बनाना, यही हमारा उद्देश्य आपको बताने का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसे ज़रूर दबाइए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर किसी बारे में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में लिख भेजिए, हम उस पर वीडियो बना के एनालिसिस करके आपको प्रॉफिट बनाने का काम ज़रूर बनाए रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।